मिठाई के कुछ कार्य करे। इसलिए है देश के प्रधान सबसे पहले आज मैं दीनबंधु सर चौहान की जो जयंती है मैं उनको नमन करता हूँ, और जिन्होंने अपने जीवन काल में किसान को मजदूर की भलाई के लिए पूरा संघर्ष किया, किसानों का हक दिलाने के लिए पूरा जीवन काल उसने उन्होंने कार्य किया, जो उनकी सोच थी जो उनका मिशन था किसान मजदूर कैसे आगे बढ़ सके, तो उसमें जो शुरुआत की है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की है, जिन्होंने पूरे देश में किसान की लागत मूल्य का 1.5 गुना MSP देकर के किसानों को देने का काम किया है, और माननीय मनोहर लाल जी ने भी किसानों के प्रति जो उनकी उचित जो मांगे थी समय समय पर मांगते रहे हैं। आज पूरे देश में गन्ने का सबसे ज़्यादा रेट है तो हरियाणा प्रदेश में, और किसानों के जो फसल बर्बाद हो जाती थी उसका 6,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिलता था, लेकिन आज माननीय मनोहर लाल जी सरकार 12,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दे रही है। इसी प्रकार से जो किसानों के बिजली के कनेक्शन 44,000 रुपये पेंडिंग थे, तो माननीय मनोहर लाल जी के पास पावर का महकमा है, उन्होंने 44 के 44,000 कनेक्शन देने के लिए आदेश जारी किए हैं, जिसमें 29,000 को बिजली से और 15,000 सोलर से देने का काम करेंगे, तो इसलिए हरियाणा सरकार किसान मजदूरों के प्रति कार्य कर रही है। लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, पार्टी किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि पार्टी मजबूत हो जा रहा है, NDBSP इकट्ठा हो रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, विपक्ष कहाँ है, 5 नगर निगम के चुनाव थे, पाँचों में हमने BJP के कार्यकर्ताओं ने साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी शहर में ग्रामीण मजबूत है, तो उधर ट्रेलर था और पिक्चर अभी जींद में दिखा के आए हैं, तो कांग्रेस पार्टी तो अपनी जमानत बड़ी मुश्किल से बचाई है, तो भविष्य में जो लोकसभा विधानसभा चुनाव है निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में भी और विधानसभा में रिपीट करेगी। आप भी NLD में रहे हैं, अभय सिंह ने आरोप लगाया अजय सिंह चौटाला पे कि उन्होंने पार्टी के साथ मिलकर दूसरे नेता को अब उसको जितवाने का काम करा और दूसरों को हरवाने का, इसलिए उनकी घर की लड़ाई है, भाई भाइयों की, दादा पोते की, चाचा भतीजे की लड़ाई है, तो घर में वो अपने आप परिवहन नीति को लेकर काफ़ी विरोध चल रहा था। परिवहन नीति का कोई विरोध नहीं था, हम 700 बस हायर कर रहे थे, जिसमें बस मालिक की थी, कंडक्टर वाका था, उसका कर्मचारी विरोध कर रहे थे, क्योंकि एक दिन में 33 लाख लोगों को बस सुविधाओं की आवश्यकता है, हम 10 से 12 लाख लोगों को प्रतिदिन दे पा रहे हैं, तो हमने इसीलिए उसको हायर किया था, क्योंकि बस का जो परमिट है वो भी परिवहन विभाग का है, कंडक्टर भी परिवहन विभाग का है, तो इसलिए मामला वो सब जुडिस है, इसलिए मैं जब कोर्ट से जो फैसला आएगा। रोडवेज के कर्मचारियों का ये कहना है जब हम वो उनको 720 बसें हायर कर रहे हैं, बेहतर ये होगा हम अपनी सरकारी बस लेकर के चलाएं, तो उसके लिए मेरे पास 4100 बसों का बेड़ा है, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता, 3900 बसें अभी रनिंग में हैं, हम समय समय पर जैसे मैं 3 दिन पहले ही 367 बस के अभी फाइल निकाल के आऊँ, मैंने मुख्यमंत्री अप्रूवल मिल चुकी है कि हर साल हमारी बसें कंडम भी हो जाती हैं, 7 लाख किलोमीटर 7 लाख उसकी एज और 8 लाख किलोमीटर बस चलने बाद हम कंडम भी क्लियर कर देते हैं, तो रिप्लेसमेंट भी हम करते रहते हैं, 600 बसें हमने अपने बेड़े पिछले साल भी डाली है और 367 को भी फोन लेने का। AC बसें जो आनी थी उसका क्या हुआ, उसके लिए हमने 30 बसों के लिए अभी अप्रूवल मिली है, हम उसके टेंडर कॉल करेंगे, बोलो कब तक आ जाएगी, अभी टेंडर कॉल करेंगे, अप्रूवल मिली, ठीक है, धन्यवाद।